तो गाइस ये बन गया भाई अपना बिल, पेमेंट कर दिया मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब भाई? सो अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज फाइनली काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, एंड आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज अपनी बाइक ने कर दी है 5000 किलोमीटर कंप्लीट। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, तो ये देख लो आप लोग, आपको दिख रहा होगा, ये देखो भाई 5106 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं बाइक के। तो अब जा रहा हूँ मैं बाइक की सर्विस कराने, सेकेंड सर्विस जो होती है 5000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद। एंड अपनी बाइक में हो रही है कुछ प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, और वही हो रही है गाइस। इसका गियर जो है, इसमें भाई फर्स्ट गियर, सेकंड गियर एंड न्यूट्रल में हो रहा है लैग, मतलब फटाफट से शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। एंड इसका क्लच जो है, क्लच लीवर ये हो गया है थोड़ा लूज हो गया है, क्या हो गया है आई डोंट नो। इसकी वायर शायद हो गई है प्रॉब्लम उसमें कुछ। तो भाई ये सब दिखाना है आज सर्विस में, फटाफट चलते हैं अब। बहुत तेज़ गर्मी हो गई है, धूप बहुत तेज़ हो गई है, एंड अपने खेत जो हैं देख लो हरे भरे हो चुके हैं। ये लग गया इसमें धान, मतलब चावल, और कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। और देख लो भाई आप माहौल बरसात के टाइम का। तो फिलहाल फटाफट निकलते हैं गाइज, लेट नहीं करते, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है भाई, हालत ख़राब हो रही है। एंड अगर मैं टाइम से वापस आ गया तो आज अपनी बाइक में करवाऊंगा मैं स्टिकरिंग, अपनी बाइक में स्टिकर लगाऊंगा यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसका। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो आज करूँगा मैं। आप लोग इन्जॉय करो, फटाफट चलते हैं अब। कीप सपोर्टिंग एंड व्लॉग्स देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। आप लोगों के लिए बहुत सारी ट्रैवल वीडियोज आने वाली हैं, जाने वाला हूँ मैं मस्त मस्त जगह घूमने के लिए कुछ टाइम बाद। सो चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो गाइस बाइक हो गई है स्टार्ट, एंड भाई अपने कैमरा जो है इसमें माइक जो है एक्सटर्नल माइक वो नहीं है, इंटरनल माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल आप लोग शॉर्ट्स रहेंगे, प्रॉपर मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज माइक क्वालिटी आप समझ सकते हो, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा सेट करने में बिकॉज अभी थोड़ी प्रॉब्लम है भाई बजट की। बराबर चलते हैं अब 5106 किलोमीटर, अब देख लो भाई माहौल। तो लेट्स गो, आई होप कैमरा एंगल सही हो, चलते हैं फटाफट से। एंड लाल लांग वाला रास्ता ख़राब है शायद, तो मैं जाऊंगा नहर वाले रास्ते से, फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 7 बज चुके हैं, 7:18 AM, फटाफट पहुंचना है भाई शोरूम, लेट्स गो। तो ये देखो भाई, ये आ गया ऑफ रोड, इसे पार करना है भाई फटाफट, और पहुँचना है बीएल वाली रोड पर, और वहाँ से चलेंगे भाई नजीबाबाद के रास्ते, मतलब नहर के रास्ते से हरिद्वार फिर देहरादून। ओ भाई साहब, भाई ये है भाई अपना नया रास्ता, और इसका कुछ हाल इस तरह का है। ओ गॉड, कब बनेगा ये भाई? बरसात का मौसम आ गया, 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और ये हाल हो रखा है इसका भी, देख रहे हो। तो भाई जी आ गया भाई रास्ता, अपना रास्ता भाई हरिद्वार देहरादून जाने का, ये देख लो, लेट्स गो लेट्स गो। खाली खाली का है, नहर में पानी फुल है भाई एकदम, देख रहे हो ऊपर तक आया पानी ऊपर तक, बिकॉज पहाड़ों में हो रही है बारिश। तो देख लो भाई सीन, फटाफट चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए हैं सुबह के।
ये देखो भल जाते इतने सारे कांवड़ यात्री हैं, खाना खा रहे हैं सब लोग और बढ़िया। हर हर महादेव, मजा आ गया। एंड भाई देखो सामने माता की मूर्ति मस्त पेंट हो चुकी है, ये देखो भाई। ओहो नाइस, देख रहे हो चमक गई भाई, एकदम मस्त पेंट कर दिया, मजा आ गया। लेट्स गो। देख रहे हो भाई कितनी गंदी भीड़ हो रही है भयंकर, ये हरिद्वार के हाल है भाई कांवड़ के टाइम पे, भाई गंदी भीड़ हो रही है भयंकर। अरे भाई यार देख रहे हो भाई हरिद्वार के हाल, पूरा भयंकर पूरा फुल फुल है भाई, भाई गंदा सीन हो रहा है बहुत, देख रहे हो भयंकर। Shit man, अरे भयंकर यार, अरे गलती हो गई मुझसे भी यार, कुछ हुआ यार। भाई नहीं मैं 10:18 AM और ये भाई शोरूम यामाहा R15 अपनी जाएगी सर्विस में, अभी बराबर चलते हैं भाई, बारिश का मौसम हो गया है, इससे पहले कि बारिश आए बराबर चलते हैं सर्विस करवाते हैं और वापस चलते हैं भाई कोटवा। पानी वानी भर लग रहा है अंदर, ओह शिट। तो भाई थोड़ा वेट करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या चल रहा है सीन, आपको पूरी डिटेल्स दूंगा क्या क्या ठीक हुआ कितना खर्चा आया सब कुछ। तो चेक कर रहे हैं भाई बाइक अपनी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है और क्या प्रॉब्लम हुई है बाइक में, पता चल जाएगा। तो अभी हो रही है गाइस चेन ल्यूब और बाद में होगी सर्विस। देखो गाइस गाड़ी वॉश हो गई अपनी, अब जाएगी सर्विस में, सो देखते हैं कितना लगता है। देख लो भाई चमक भी। तो गाइस अपनी बाइक आ गई है सर्विस के लिए ऊपर, आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई सामने खड़ी है, ये देखो भाई खड़ी है। तो यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है गाइस, वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं शॉट नहीं ले पाऊँगा। बाकी आप लोग को बताऊंगा मैं सर्विस के बाद कि क्या क्या खर्चा हुआ है, मतलब कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं लगी हैं, तो देखते रहो आप लोग। फिलहाल देख लो भाई ये
बाइक बाहर ही खड़ी है अपनी वहीं पे। ऐसा व्यू है, कुछ मौसम ख़राब हो गया भाई। तो भाई सर्विस हो गई है बाइक की, अब जा रहा हूँ मैं नीचे देखने और बिल पेमेंट करने, देखते हैं कितना बिल हुआ है। 1800 लिखा है उन्होंने, बाकी देखते हैं अभी। सो चलते हैं भाई, देख लो भाई साहब। तो गाइस ये बन गया भाई अपना बिल, पेमेंट कर दिया मैंने 1442 रुपीज़ का। नॉर्मल सर्विस हुई है, कुछ नए चेंजेस हुए हैं बस। मेरा चलते हैं भाई। तो गाइस सर्विस हो गई बाइक की, देखो भाई चकमाचक हो गई, एकदम मस्त चमक गई, ऐसे क्लच वगैरह ठीक हो गया है। आपको दिखाता हूँ, ओह शिट। तो ये देखो भाई, अब क्लच हो गया एकदम टाइट फर्स्ट क्लास, एंड बाइक इज रेडी टू गो। तो चलते हैं गाइस, ट्रैक्शन कंट्रोल करता हूँ मैं ऑफ, और भाई बाइक हो गई एकदम मस्त, मक्खन चल रही है फिर से। जैसे पहुँचते हैं कोटद्वार, बहुत गर्मी है भाई साहब और बारिश भी हो रही है। वो भाई पावर, मैं पहुंच गया हूँ कोटद्वार फाइनली अपनी बाइक की सर्विस करवा के, एंड ये देख लो लुक। और 5349 किलोमीटर चल चुकी है बाइक अपनी, तो भाई मज़ा आ गया, काफ़ी स्मूथ हो गई है बाइक सर्विस के बाद, बहुत ही मस्त चल रही है। क्लच एकदम ख़तरनाक हो गया है, स्मूथ क्लच, गियर शिफ्टिंग भी मस्त हो गई है अब। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग में इतना ही, और बाइक में स्टिकरिंग का काम करूँगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने YouTube चैनल का नाम और Instagram हैंडल का स्टिकर मैं लगाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों के लिए मस्त वीडियो रहने वाली है, तो आप लोग देखना एंजॉय करना। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग में इतने रखते हैं, मज़ा आया, और आप लोगों को मज़ा आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो, जय हिंद।